लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावर्सगंज, ये सभी सीट्स हैं, इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा, तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अभी अभी जो है, मैंने जो है वो वोट दिया है, और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं, 2 महीने के छोटे से अंतराल में, ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं, और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है
पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग चार की चार सीटें जो है वो मिलेगी। मोदी जी ध्यान करने गए हैं, विपक्ष लेकर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं अभी उस पे कुछ नहीं। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं, वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे। और पंजाब की जी वोटिंग की हिस्ट्री रही है वो यही कहती है कि पंजाब के लोग भारी गिनती चाहे अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 70% तो भी उपर, 75 तो भी उपर, 80 तो भी उपर परसेंटेज जी देखी गई है। सो पंजाब के लोग अवेयर लोग ने, चेतन लोग ने। यह जो वोटर कार्ड है ये सानू शहीदा ने अपना खून दियां कुर्बानियां दे के लैके दिता, सो इन इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैं तुहाडे जरिए सारे पंजाबियों नू बेनती करूंगा कि कोई गल नहीं, एक दिन गर्मी झल लांगे, पर यह गर्मी जी एक दिन की ये तुहाडे बच्चों का भविख जिहड़ा है उन्हें बदल सकती है, क्योंकि फिर बाद च पांच साल गाला कढ़ने का कोई फायदा नहीं कि आ सरकार आ गई, हो जी सरकार आ गई। उस सरकार नू चुनने दे विच हिस्सेदार जरूर बनो, अपना मत दा अधिकार, मतदान कहिंदे आ, मत हो गया अकल, अपनी अकल दा दान है कि मैं अपना अपनी मत जिहड़ी है वह इस उम्मीदवार नू दान करन लग्गिआ तां कि इह कम करे, साडे लई कम करे। सो चंगे बंदिआं नू चुनो, यही कहूंगा मैं, जिहड़े तुहाडे दुखां सुखां च सहाई हुंदे होण, तुहाडे विच रहिंदे होण, जिन्हां ने अपने पिंडे ते गरीबियां हंडाईयां होण, आम घरां दे विच रह के जिन्हां ने सारियां दुश्वारियां झल्लियां होण, जदों उह जे बंदे विधानसभा दीआं जां पार्लीमेंट दीआं पौड़ियां चढ़दे आ फिर कानून भी अंदरों उह जे बण के आउंदे आ। सो मैं अज अपनी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर नाल वोट दे अधिकार दा इस्तेमाल कीता। पहले मेरी वोट मोहाली हुंदी सी, पर असीं संगरूर बनाई है। सो पहली बार मैं इत्थे वोट पाउण आया, ते बाकी मैनूं उम्मीद है कि भावें शहरी इलाके ने, भावें पेंडू ने, भावें कस्बे वाले ने, पंजाब दे विच बहुत भारी वोटिंग होगी। अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहां मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मन को भी बहुत अच्छा लगा, पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्यौहार मानता हूं, उत्सव मानता हूं और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार
बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। आज लोकतंत्र का पर्व है और सभी बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपील है कि घर से निकले, वोट करें। संविधान आरक्षण लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी लाई है, पढ़ाई है, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकले। देखिए, ये देश को बनाने का चुनाव है और इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं भागीदार बने वोट दे करके, यही हम लोगों की इच्छा है। और देश का संविधान लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग तो एकदम टनाटन, सब लोग पूरा बिहार का मिजाज टनाटन टनाटन है और सब रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, सब लोग जो हैं इस बार जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनके खिलाफ जो है सब लोग जो है वोट देंगे। आप ये बताइए, आप जा रहे हैं बैठक में, तेजस्वी आप बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडा है दिल्ली बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडा है बैठक का? देखिए, वो तो आज बैठक 3 बजे से है, बैठक के बाद जो है हम लोग उस पर जरूर आप लोगों को बताएंगे कि क्या बात है। एग्जिट पोल पे बिलीव ऑन एग्जिट पोल, बिलीव ऑन एग्जिट पोल, बिकॉज़ मोस्ट मेनी लीडर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग फॉर द एग्जिट पोल। What kind of exit poll and whose exit poll we should believe? There are so many exit polls, right? So we should wait for the 4th June and what we have seen in ground, and we have a belief and faith in people of India that this time India Gathbandhan, India Alliance is coming to form a government on 4th June and NDA is going soon.